कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैडेट काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टेक्ट नंबर 9992571111, 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि पत्र है वो 15 अप्रैल को लिखा गया था, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खुद दुष्यंत चौटाला ने अपने फेसबुक पेज पे इस पत्र को वायरल किया है, पोस्ट किया है। और इस पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि जो किसानों के साथ सरकार की बातचीत तीनों ही अध्यादेशों को लेकर के बंद पड़ी थी, उस बातचीत को एक बार फिर से शुरू किया जाए। यानी कि इस वक्त जो है बड़ी खबर यही कि आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो है ये आग्रह किया है सरकार से कि किसानों के साथ बातचीत की जाए, और क्योंकि बातचीत से ही हल हो सकता है। इससे पहले दुष्यंत चौटाला ने कई बार जो है बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है और जो है किसान है वो उनको बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत से ही मसले, बड़े से बड़े मसले हैं वो बातचीत से ही हल होते हैं। तो इसको लेकर के जो है खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, और कहा गया है इस पत्र में कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पे 6 फसलें हैं वो MSP पे खरीदी जा रही हैं, और फिलहाल जो है जो इसकी जो गेहूं की जो है प्रोक्योरमेंट यानी कि जो खरीद है वो MSP पे की जा रही है। सरकार एक जो है किसानों के साथ जो है वो बातचीत करे और इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाए। और ये भी लिखा गया है कि कुछ केंद्रीय मंत्री हैं वो बातचीत किसानों से कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ये बात कही कि वो बातचीत सरकार है किसानों के साथ कर सकती है, उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत का भी बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बेशर्त बातचीत उसी जो है जगह से शुरू होनी चाहिए जहां पे ये बातचीत खत्म हुई थी, यानी कि नॉन कंडीशनल, यानी कोई कंडीशन नहीं होगी, किसान पूरी तरह से बातचीत करने के लिए तैयार है। और आज दुष्यंत चौटाला ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और उन्होंने उसमें कहा कि बातचीत का क्रम है वो फिर से शुरू होना चाहिए, क्योंकि लगातार, क्योंकि कल से एक जो खबर है प्रिंट मीडिया में और जो लगातार जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हवाला देकर के एक खबर छापी गई थी जिसमें कहा गया था कि जो है किसान हैं इस आंदोलन को ख़त्म करें, क्योंकि पूरे देश भर में जो कोरोना काल लगातार जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के जो किसान हैं वो अपना आंदोलन ख़त्म करें और जो है सरकार है वो इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए जो है ऑपरेशन क्लीन है वो चला सकती है। तो इस ऑपरेशन क्लीन को लेकर के किसान नेताओं की बड़ी प्रतिक्रिया आई। किसान नेताओं ने कहा कि अगर ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा तो जो है वो उसका जवाब देंगे, और जो है ये भी कहा गया कि टकराव की स्थिति हो सकती है। और हालांकि हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान संयुक्त मोर्चा के गुरनाम सिंह चंढूनी, उन्होंने लाइव आकर के ये बात कही थी कि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो गांव में नहीं घुस पाएंगे और ऑपरेशन क्लीन जो है वो चलाएंगे तो जो है भाजपा है पूरे देश भर में जो है क्लीन हो जाएगी, उसके बाद वो गांव में आएंगे तो गांव में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के जो है टकराव भरी स्थिति के जो संकेत हैं वो गुरनाम सिंह चंढूनी ने दिए थे। लेकिन आज जो है दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके बातचीत के क्रम को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है, और जो है ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सरकार है किसान संयुक्त मोर्चा को न्योता देगी बातचीत करने को लेकर के, और इस मसले का भी हल है वो हो सकता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।